नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। किसान समस्या को लेकर भाजपा का धरना। किसानों की समस्या पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इसका असर विंद्रानावागढ़ में भी देखने को मिला। खाद बीज नहीं मिलने, बोनस के एक मुश्त ना मिलना, कर्ज माफी, किसान सम्मान निधि ना मिल पाने जैसे किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा ने किसानों के साथ धरना दिया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के बाद विधानसभा स्तरीय धरना देवभोग के बस स्टैंड में रखी गई, जहां क्षेत्र भर के सैकड़ों किसान जुटे थे। भाजपा के वक्ताओं ने किसान सम्मान निधि समय पर नहीं दिलाने का आरोप सरकार पर लगाया है। भाजपा के साथ साथ धरना में उपस्थित किसानों ने भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। धरना में शामिल फलसा पारा चीचिया सहित दर्जन भर गांव के किसानों ने कहा, किसान को समिति केंद्रों में खाद बीज नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान ऊंचे दाम पर व्यवसायियों से लेने को मजबूर है। किसान है, नोएडा का किसान है, तो क्या किन समस्या को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? भूपेश सरकार जो है ना, हमको कोई खाद नहीं दे रहा है, बीज दे नहीं पा रहा है, कभी भी आ रहे हैं ऑफिस में सेट में बीज मिल पा रहा है और जो है ना खाद भी नहीं है बोलते हैं। कितना एकड़ तो खेती है आपका? 15 एकड़ जमीन वाला हूँ मैं। तो कैसे करके फिर आपका खेत में फसल? बहुत मुश्किल पड़ रहा है जो है ना, कहीं जो है ना कंपनी से कहीं दुकान से खरीद के ला रहे हैं, जो है ना रेट जो है ना बहुत पड़ रहा है। यूरिया खाद को बोल रहे हैं 500, जो है ना डीपी खाद को बोल रहे हैं 3000 क्विंटल बोल रहे हैं, कहाँ से ला पाएंगे अभी? क्या को लेकर आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, कौन कौन सी समस्या है? एक तो है साहब, हमको खातु नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। कहाँ खातु कहाँ आप लेने जाते हैं? धौराकोट से। समिति में? समिति में खाद बीज नहीं है? नहीं है। क्या कहते हैं समिति वाले? जाने से वो तो एटीएम कार्ड तो रख दिया है, 15 दिन हो गया वहाँ। तो कैसे कर रहे हैं आप किसानी? खातु नहीं मिल रहा है, ना बीज नहीं मिल रहा है, इसके लिए आज ये धरना भरे हैं हम किसान। आपका और किसान लोगों को समय पर आपका खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और सोसाइटियों में जो यूरिया है वह भी किसानों को माने आपूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। सेठ साहूकार लोगों के पास जाकर के किसान लोग ज़्यादा कीमत दे करके खाद खरीदने में, खाद और बीज खरीदने में विवश हैं। इसी को लेकर के जो है पूरा जो है धरना प्रदर्शन आज जो है किया जा रहा है। कितने किसान जुटे थे ये धरना में? लगभग 1500 से 2000 किसान माने यहाँ पे जुटे आज। और अपने किसानों के धरना में मुख्य वक्ता गोवर्धन मांझी ने कहा, सरकार के पास गोबर बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। वहीं महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विभा अवस्थी ने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार पर सवाल खड़ा किया। आज किसानों के पास खाद बीज नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि मंडी और सोसाइटियों में सरकार खाद बीज पहुँचाने के बजाय दलालों को और व्यापारियों तक खाद बीज जिस विषय का लोक कर लेकर हम लोगों ने निरंतर 13 तारीख को भी संकल्पित होकर इसे भूपेश सरकार के कानों में डालने की कोशिश किया था धरना करके मंडल स्तर पर, आज हमें मजबूर होकर विधानसभा स्तर पर बैठना पड़ रहा है कि इस सरकार के कानों में जाए, क्योंकि किसान बहुत त्रस्त हैं। पहले बीज की समस्या आई, फिर अब खाद की समस्या आ रही, और निरंतर इस प्रकार की अनेक समस्याओं से किसान भाई जूझ रहे हैं, जिस विषय को लेकर आज किसान मोर्चा के द्वारा एक भव्य रूप में विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम महिला मोर्चा भी उपस्थित हैं। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़। इस धरना प्रदर्शन में 1500 किसान जुटे थे। वहीं भाजपा से भगीरथी मांझी, कुंज बिहारी बेहरा, हलमन ध्रुआ, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री सूर्यमन यादव, योगेश शर्मा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगी राज कश्यप सहित मैनपुर देवभोग गोहरापदर छुरा के मंडल अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गरियाबंद से जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।